हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम हैं चांगलुंग में। चांगलुंग है सियाचिन बेस कैंप से जस्ट पहले 20 किलोमीटर पहले। तो गाइस, कल आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, सीन ये हुआ था कि हम वारसी तक पहुंचे तो वारसी तक हमें होमस्टे नहीं मिला था। तो गाइस, एक लोकल ने जो कि माउंटेन होमस्टे है उनका, उन्होंने हमारी हेल्प करी और नाइट होल्ड करवाया। सो गाइस, ये रोड रहा है सियाचिन बेस कैंप की ओर, और यहाँ से जो हम आगे जाएंगे तो दो तीन विलेज पड़ने वाले हैं। एक था टोंगसे और हेनाचे एंड वारसी, तीन विलेज है। और तो गाइस, कुछ ऐसे नज़ारे हैं सियाचिन बेस कैंप रूट के। देखिए, ये जो माउंटेन है पूरे काराकोरम रेंज है, और पूरे ड्राई माउंटेन, मतलब ड्राई क्या कहेंगे, चट्टाने हैं, ये बड़ी बड़ी चट्टाने हैं गाइस। सो गाइस, अभी हम हैं वारसी में और यहाँ हम वेट कर रहे हैं सियाचिन बेस कैंप के इनोग्रेशन का। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि MP साहब जो है वो है अभी पेनामेक में, और हम आई थिंक फर्स्ट टूरिस्ट होंगे जो सियाचिन बेस कैंप पहुँचेंगे। भाई भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है फुल। गाइस, सियाचिन बेस कैंप के रूट का इनोग्रेशन टूरिस्ट के लिए होने वाला है कुछ ही मिनट के अंदर, वो सामने। और यही चट्टान आगे सियाचिन में आपको मिलेगी, और उस पर हमारे देश के जवान कर रहे हैं ड्यूटी, और लगभग एक एक साल तक ऊपर रहते हैं यार। मतलब सलाम है हमारे इंडियन आर्मी को कि यार कैसे ड्यूटी करते हैं यार। यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट टॉप है, मैंने आपको बताया है पहले, बन्ना टॉप, लगभग 22,000 से 24,000 फीट की हाइट पर वहाँ पर लोग ड्यूटी करते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। सो गाइस, इस पॉइंट पे मैं रुका हूँ। यहाँ से सियाचिन बेस कैंप की एंट्री हो रही है, और ये है हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। सो गाइस, देखिए नज़ारा, देखिए देखिए नज़ारा गाइस, क्या फीलिंग है यार। यहाँ से पीछे की साइड में सियाचिन बेस कैंप पूरा। सो गाइस, यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं और पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर फर्स्ट टाइम हो यहाँ चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिख देना, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ से आगे निकल रहे हैं, लगभग सारी गाड़ी आगे निकल चुकी है। मैं थोड़ा सा फ़ोटो लेने के लिए रुक गया था, तो भाई साहब चलते हैं आगे। और ये पूरा सियाचिन बेस कैंप का एरिया, पूरा के पूरा। देखो, वहाँ गाड़ी पहुँच चुकी है सियाचिन बेस कैंप में, और क्या नज़ारा यार, क्या नज़ारा यार, क्या नज़ारा, मज़ा आ गया। मतलब फीलिंग यार बता नहीं सकता हूँ यार, कि बहुत कम लोगों को यहाँ तक आने की मिलती है परमिशन, लेकिन एज ए टूरिस्ट हम आए हैं विदाउट परमिशन, क्योंकि इनोग्रेशन हो चुका है सियाचिन बेस कैंप का। टूरिस्ट आएगा और इंजॉय करेगा व्यू का। तो यहाँ पर है हाई एल्टीट्यूड बैटल, कोई प्रशिक्षण होते होंगे या ट्रेनिंग होती होगी यहाँ पर। देखिए सियाचिन बेस कैंप के नज़ारे, पूरा गिरा हुआ माउंटेन से यार, कैसे पहाड़ यार भाई, कैसे यहाँ ऊपर पोस्ट, इन ऊपर, यहाँ पर नहीं, उन पोस्टों पर ऊपर ग्लेशियर, यहाँ पर, वहाँ पर, मतलब हमारे देश के लोग, यहाँ के हमारे देश के सैनिक गाइस, जो ऊपर पहाड़ है, ग्लेशियर है, वहाँ पर गर्मी में जो जमे हुए ऑलरेडी, तो वहाँ पर हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं कई सालों से, एक एक 1.5-1.5 साल में नीचे उतरते हैं, फिर वापस ऊपर चढ़ते हैं, और अभी गर्मी में जब पूरा जमा है तो सर्दी का सोच ही नहीं सकते गाइस, पूरा जमा हुआ रहता है पूरा के पूरा। सो गाइस, अभी हम हैं सियाचिन बेस कैंप के अंदर, और ये देखिए सियाचिन, उस पॉइंट से हम आ गए थे यहाँ पर, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं आगे। यस, ये फीलिंग आ रही है यार, यहाँ आने की फीलिंग ये है यार, क्या गजब, क्या गजब, मज़ा आ गया। जय हिंद। और ये है बेस कैंप 1, वी कैंप 1, कुछ होगा यार। तो बहुत बड़ा एरिया है यार ये बेस कैंप वाला, तो बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ से ग्लेशियर ऊपर है, अलग अलग पोस्ट है, और यहाँ पर ओपी बाबा का मंदिर है, ओपी बाबा सेरेन जो मंदिर है, वो टेंपल ये यहीं आगे कहीं है, ओपी बाबा टेंपल। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं सियाचिन बेस कैंप। सो गाइस, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर पीछे ओपी बाबा मंदिर है, और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी फिलहाल उधर, और सियाचिन वॉरियर्स का जो ट्रेनिंग एरिया है वो इस साइड में है गाइस, और सियाचिन ग्लेशियर ऊपर है गाइस। तो अब यहाँ से वापस रिटर्न जा रहे हैं, और पीछे थोड़ा सा हम रुकेंगे, अब आगे क्या प्लानिंग है वो आगे ही पता चलेगी, व्लॉग में बने रहना क्योंकि मज़ा आएगा आगे। स्टेज हेयर फॉर अ वीक
एंड विजिट टू दी अदर सियाचिन ग्लेशियर लाइक सीजी बटालियन, सदर्न ग्लेशियर बटालियन, एंड सेकेंड ऑफ नेक्स्ट मंथ ही अगेन मूव्स अप, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल दी ट्रूप्स एंड वॉरियर्स एट एनजी बटालियन नीड्स टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट बिकॉज एट दैट टाइम ओबावा इज हेयर, सो नो वन इज देयर टू गाइड देम एंड टेक केयर ऑफ देम, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ट्रूप्स आर मोर विजिलेंट. एंड वन मोर थिंग, वेन एवर वी इंडक्ट अवर पार्टी इंडक्ट टू द एनजी ग्लेशियर और डी इंडक्ट, बिफोर दैट एवरी मोमेंट वी ऑफर ए फॉर्मल प्रेयर एट दिस टेम्पल एंड ऑल्सो फॉर्मल रिपोर्टिंग इज गिवन टू ओपी बाबा. एवरीथिंग लाइक इवन इफ यू मूव फ्रॉम हेयर टू द नेक्स्ट प्लेस, वेन यू मूव देयर वी विल टेक रिपोर्टिंग फ्रॉम ओपी बाबा लाइक वी हैव रीच्ड सेफ एंड सिक्योर, विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट अगेन. सो फॉर एवरी लिटल मोमेंट रिपोर्टिंग इज गिवन टू ओपी बाबा. फॉर एवरी विजिटर इज इट इज लाइक दे हैव टू विजिट दिस ओपी बाबा मंदिर. एंड आफ्टर द सेफ इंडक्शन और द सेफ टेन्योर ऑफ एवरी बटालियन, द बटालियन विच कम्स डाउन दे प्रेजेंट अ न्यू ड्रेस, एवरीथिंग न्यू टू द ओपी बाबा एंड सिक्स इज ब्लेसिंग. दिस इज जस्ट ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ओपी बाबा. नाउ आई विल टेक यू ऑल टू द. थैंक यू सो मच. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारतीय सेना जिंदाबाद. भारतीय सेना जिंदाबाद. भारतीय सेना जिंदाबाद. ओपी बाबा की जय. ओपी बाबा की जय. ओपी बाबा की जय. So guys, अभी मैं जो आपको झलक दिखाने वाला हूँ ना, वो झलक रेड झलक है और वो है सियाचिन ग्लेशियर. देखिए तो गाइज, ये जो पीछे जो अभी सूखा पड़ा है, ये सियाचिन ग्लेशियर है पूरा ऊपर से आ रहा है और वो है सियाचिन के टॉप, जहाँ पर हमारी बटालियन हमारे जवान बैठे हैं ऊपर और देश की सेवा कर रहे हैं गाइज. तो पूरा नज़ारा एक नंबर है और मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो गया यार, यहाँ पर आकर दिल खुश हो गया यार. थैंक यू सो मच लद्दाख टूरिज्म और हाँ यहाँ के एमपी को थैंक यू कहूँगा कि टूरिज्म पर्पज़ से ये प्लेस ओपन करा ताकि ये वाला पैनामिक वारसी वाला रूट डेवलप हो जाए. हाँ तो गाइज देखिए कितना लोग फोटो खिंचवा रहे हैं यार, कितना 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 मज़ा आ रहा है लोगों को यार, यहाँ के लोकल के लिए. और हाँ सो गाइज, ये जो पॉइंट है यहाँ पर पीछे ओपी बाबा मंदिर है और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी फिलहाल उधर, और सियाचिन वॉरियर्स का जो ट्रेनिंग एरिया है वो इस साइड में है गाइस, और सियाचिन ग्लेशियर ऊपर है गाइस. तो अब यहाँ से वापस रिटर्न जा रहे हैं और पीछे थोड़ा सा हम रुकेंगे, अब आगे क्या प्लानिंग है वो आगे ही पता चलेगी, ब्लॉग में बने रहना क्योंकि मज़ा आएगा आगे. हाँ सो गाइस, अभी हम किसी और पॉइंट पर जा रहे हैं जहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ी देर. तो ये पूरा एरिया सियाचिन का ही है, सियाचिन बेस कैंप का ही है. यहाँ की यहाँ आने की जो होते हैं सपने बहुत कम लोगों, मतलब यहाँ आने का सपना बहुत कम लोगों को पूरा होता है. उन कम में से मैं हूँ एक, मतलब सबसे पहले आया. अब तो टूरिस्ट आ जाएगा 100% आएगा टूरिस्ट यहाँ पर, लेकिन हम आए हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार. और वो भी लद्दाख एमपी के साथ, आप साथ साथ विजिट कर रहे हो, उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो ना, तो उसका मज़ा ही अलग है यार, एक फीलिंग आती है, समझ रहे हो आप. तो सपोर्ट करिए वापस लद्दाख एमपी को, क्योंकि बहुत ही डाउन टू अर्थ है यार पर्सन जो है, पर्सनालिटी डाउन टू अर्थ यार हमारे जो. इसमें ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा इस ब्लॉग के अंदर. पजामे में एक सिंपल सा पजामा, टी शर्ट, जैकेट और ऊपर कैप और चश्मा है और जूते स्पोर्ट्स शूज, ये गेटअप. तो ये यहाँ से आगे हम जाएंगे वापस जिधर से आए थे उधर जाएंगे, और अब क्या होगा आगे प्रोग्राम वो देखते हैं. तो गाइस एक बार और जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मज़ा आ जाएगा मुझे यार, क्योंकि यहाँ तक आने का विजिट है ना, मतलब नसीब वालों को मिलती है यहाँ आने की विजिट, और वही फर्स्ट टाइम में. तो आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखिए और हमें हमारे व्यूवर्स को खुश करिए कि कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं यार, कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं. ये पूरा एरिया है गाइज. तो अब आगे यहाँ से. तो गाइज अगर आप व्लॉग देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है ये व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, समझ रहे हो आप बात को, और कमेंट करके जय हिंद लिख देना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं. क्वेरी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन जय हिंद लिखना मत भूलना, ये ध्यान रखना, ठीक है गाइज.
तो आज का जो व्लॉग होगा वो है जय हिंद व्लॉग। सो गाइज, सियाचिन के इस रोड पर सिर्फ बाइक को ही एंट्री दी जा रही है, किसी भी कार वाले को आने नहीं दिया जाएगा गाइज। तो हम खुश नसीब है भाई, जा रहे हैं आगे की ओर, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। देखिए आप, बिल्कुल जा रहे हैं आगे। और किधर जाना है बता देते हैं, आई थिंक हमें जाना है उस पार। देखिए आप, सो गाइज, आपने पूरा सियाचिन देखा है मेरे साथ और मैं अभी निकल रहा हूँ सियाचिन से बाहर। सियाचिन जस्ट पीछे है, वो देखिए आप उस साइड में, और ये सियाचिन का पोस्ट से बाहर जाने वाले हैं हम थोड़ी ही देर के अंदर। और बस यार, क्या फील हो रहा है यार, क्या फील हो रहा है यार, बता नहीं कर सकता, सीने में जलन लगा दी भाई। तो ये हो गई बात, उसके बाद क्या हुआ, हम आपने देखा होगा व्लॉग में, पप्पी बाबा मंदिर में गए, वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर देखा। सियाचिन ग्लेशियर से के बाद क्या हुआ कि आगे एक पोस्ट एक पॉइंट था, वहाँ पर राष्ट्रगान हुआ, लेकिन वो थोड़ी सी झलक ही मैं दिखा पाया, थोड़ी सी झलक, मतलब वहाँ राष्ट्रगान हुआ और पूरा वहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और वहाँ से फिर हमें सिर्फ जो टूरिस्ट थे उनको ही आगे, स्पेशली बाइकर्स को आगे ले जाएगा, और ऑफिसर्स मेट्स के अंदर डाइनिंग के अंदर खाना अपना लंच दिया गया। गाइस मज़ा आ गया, खाना ना खाया, शानदार। वहाँ के फ़ोटो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ना ही शेयर करूँगा, मैंने वहाँ के फ़ोटो लिए भी नहीं और ना शेयर करूँगा मैं। तो गाइस समझ रहे हैं आप बात को, तो किस तरीके से रहा मामला। तो यहाँ रखूँगा बाइक अपनी और लूँगा फ़ोटो। सो गाइज, फाइनली सियाचिन बेस कैंप का पूरा जो राइड था कंप्लीट हो चुका है गाइज, और अभी हम निकल रहे हैं सियाचिन बैटल हाईएस्ट बैटल फील्ड से, और ये जो गेट है यहाँ से बाहर निकल रहे हैं गाइज। तो गाइज इतना शानदार मज़ा है, इतना मज़ा है यार, क्या प्राउड फीलिंग हो रही है यार, क्या प्राउड फीलिंग हो रही है, मज़ा आ गया यार कि सियाचिन बेस कैंप हम यहाँ पूरा विजिट करके आए। लगभग 4 घंटे हम सियाचिन बेस कैंप में थे, पूरा एक्सप्लोर करा, मतलब जो नॉर्मली नहीं घूमता है घूम पाते हैं, सारा एक्सप्लोर करा, बहुत मज़ा आया यार। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ बताने लायक है वो चीज़ मैं बताऊंगा, वो आपको व्लॉग में दिख गया होगा। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके लिखना जय हिंद सियाचिन, जय हिंद। ये जय हिंद इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचे, प्लस यहाँ के शहीदों को, यहाँ पे जो शहीद हुए हैं उनके लिए सलाम समझ लेना और जय हिंद कमेंट करना गाइस, मज़ा आ जाएगा भाई। तो चलते हैं गाइस, पूरा फन हो गया है, अब चलते हैं आगे नुब्रा की ओर। तो एक और नज़ारा देख लीजिए यार, क्या यार, क्या नज़ारा यार, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। ओके, बाय बाय।